इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीरा। ये जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बादल पर चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। बादल के अलावा अन्य नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से सभी राजनेताओं की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। इस दौरान राजनेताओं की तरफ से कोरोना नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फरीदकोट की नई अनाज मंडी में दो दिन पहले यानी कि 5 फरवरी को चुनावी जनसभा में कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर थाना कोतवाली में अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और फरीदकोट सीट से पार्टी उम्मीदवार और यूथ अकाली दल के प्रधान परम बंस सिंह बंटी रोमाणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एनआई की खबर के मुताबिक बादल फरीदकोट में जिस सभा में चुनावी रैली कर रहे थे उसमें चुनावी सीमा 1000 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। बता दें कि कार्रवाई फरीदकोट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कम SDM की शिकायत पर की गई है और उनके खिलाफ IPC की धारा 188 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51C के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत में जानकारी दी है कि उनके पास आम आदमी पार्टी की तरफ से शिकायत मिली है कि जिसमें अकाली दल पर जनसभा के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा जिला चुनाव अधिकारी की तरफ से गठित VST टीम ने जनसभा की वीडियोग्राफी भी पेश करते हुए लिखा कि इस जनसभा में करीब 6000 लोगों की भीड़ जुटाई गई थी, जबकि नियम के मुताबिक इंडोर में 500 और आउटडोर में 1000 लोगों के जुटने की इजाजत दी गई है। गौरतलब है कि पंजाब में एक ही चरण में 20 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। यहां के सियासी मैदान में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जोरदार तरीके से प्रचार कर अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटों की जरूरत पड़ेगी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।